हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्म तड़का। और आज मैं एक और न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ और इस सॉन्ग का नाम है टॉप टक्कर। और ये सॉन्ग उचाना अमित लेकर आए हैं और उनके साथ बादशाह भी हैं। जी हाँ, बादशाह जो कि मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बादशाह भी उनके साथ आए हैं। और आपको पता ही है बादशाह के सॉन्ग पार्टी सॉन्ग होते हैं, तो चलिए देखते हैं वो इस सॉन्ग में क्या लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बात है, कलरफुल, वाओ, सुपर्ब। गाइस, दिस सॉन्ग इज सुपर डुपर आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा लगा ना मुझे ये सॉन्ग, और इस सॉन्ग में जो इतने कलरफुल से सेटअप था ना, आउटस्टैंडिंग सेटअप, इतना अच्छा लग रहा था ना। ज्यादातर हमने कलरफुल सॉन्ग जो है टोनी कक्कड़ के देखे हैं, और इस बार बादशाह के सॉन्ग में ये देखने को मिला कि इतने कलरफुल सेटअप है और इतना अच्छा
कॉन्सेप्ट लगाना मुझे उनका, पर इस सॉन्ग का जो स्टार्टिंग में जो लाइन आई थी ना और म्यूजिक था, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं सुना हुआ है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको रिएक्शन दिया ही था कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था वो सॉन्ग सुना हुआ है। तो वो सॉन्ग मुझे अभी याद आया कि वो सॉन्ग था हवा हवा ए हवा जा उसको बता दे तू उसको मेरा पता दे। तो वो सॉन्ग की ट्यूनिंग थी और म्यूजिक था और उसी की तरह बिल्कुल सेम मैच कर रहा था। बाद में उचाना ने सॉन्ग गाया और बादशाह ने सॉन्ग गाया तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी डिफरेंट है। इसका म्यूजिक इतना अच्छा लगा मुझे और इसके लिरिक्स भी काफी अच्छे लगे। स्टार्टिंग में देखा है वो सॉन्ग में वो हार को देखता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अजीब है, इतना फोकस क्यों दिखाया जा रहा है हार पर। और लास्ट में जो सस्पेंस खुला ना, मुझे वो सस्पेंस इतना अच्छा लगा। और बादशाह कैसे करता है शिट शिट, तो वो सीन काफी अच्छा लगा, काफी फनी सा सीन लगा मुझे वो। तो मैंने तो काफी इंजॉय किया इस सॉन्ग को, ओवरऑल मुझे तो ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा। और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्मी तड़का।